राजनीति एक माध्यम है जहां हम अपनी सारी चीजों को विकास से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित। आप आम आदमी पार्टी क्यों जो वाइन क्या दूसरी पार्टी में जाते हैं तो अच्छे से आपका वो होता है, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए जो न तो किसी जात के आधार पर, न तो किसी धर्म के आधार पर, न ही किसी वर्ग के आधार पर राजनीति करती है। हम लोग साफ सुथरी और आम आदमी की राजनीति करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी और मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। लोक टीवी की चुनावी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के अंतर्गत कोराव विधानसभा में आने वाली कोराव नगर पंचायत में। और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटेल जी, जिनसे हम उनके चुनावी मुद्दों समेत उनकी चुनावी रणनीतियों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पराज जी आपका लोक टीवी में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया और कोराव से नगर पंचायत पद का उम्मीदवार घोषित किया। जब भी किसी से बात का सिलसिला प्रारंभ होता है तो सबसे पहले यही होता है कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, वो राजनीति में कैसे आए और किन महत्वाकांक्षाओं के साथ राजनीति में आप आए, तो क्या ऐसी आपकी महत्वाकांक्षा रही कि आपको राजनीति में आना पड़ा, कैसे आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया? राजनीति एक ऐसा विषय है जिससे सब लोगों को जुड़ना चाहिए। राजनीति एक माध्यम है जहां हम अपनी सारी चीजों को विकास से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हम सारी जरूरतें हमारी राजनीति के माध्यम से ही पूरी होती हैं। और लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा ऐसी चीज है जहां सारे लोगों को जुड़ना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव तरह लोगों को देखना चाहिए क्योंकि हमारे भविष्य की जो चाबी होती है लोकतंत्र के माध्यम से ही शुरू होती है। तो आप राजनीति में कैसे आए, मतलब कब से आपने राजनीति करना प्रारंभ किया और आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन किया? राजनीति तो हम छात्र जीवन से ही कर रहे हैं। सन 2004 में मैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। अच्छा। जिसमें मैं काफी कम मत के अंतरों से चुनाव हारा था। मैं दूसरी पोजीशन पर था। आम आदमी पार्टी को हमने 2014 में ज्वाइन किया था लोकसभा चुनाव के पहले। और आम आदमी पार्टी की नीतियों से हम काफी प्रभावित हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से निकली हुई है। हम लोग लोगों की जरूरत की राजनीति के मुद्दों पर बात करते हैं, जो लोगों की जरूरत है आज। अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो आपकी पार्टी तो इसी दम पे खड़ी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। तो आप कोराव में किन मुद्दों को देख रहे हैं और अपने चुनावी मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कौन से वो आपके मुद्दे हैं? सबसे पहले तो जो हमारा पहला मुद्दा होता है शिक्षा का। आज कोराव नगर पंचायत कोराव के अंदर कोई भी सरकारी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां लोगों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अच्छा। बहुत सारे विद्यालय हैं जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें फीस इतनी ज्यादा है कि आम आदमी जो आम नागरिक है जब अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए सोचता है तो उसको सबसे पहले अपनी जेब की तरफ ध्यान देना होता है। इतनी महंगी शिक्षा, मार्च और अप्रैल से जब नया सत्र शुरू होता है तो गार्जियन जो होते हैं बच्चों के उनको ये लगता है कि यार कितनी फीस लगेगी, हम लोग कैसे कर पाएंगे इसको। मजबूरी में किसी भी प्रकार से, चाहे कर्ज लेकर चाहे जैसे भी, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहता है जो समाज के अन्य तबकों को लोग देना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग जो है कोराव के अंदर, नगर पंचायत कोराव के सीमा में दो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करें और जो परिषदीय विद्यालय नगर पंचायत कोराव के अंतर्गत है उनका हम लोग जो है कायाकल्प करके, उनका जो है विकास करके, उनमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके जिससे सारे अमीर और गरीब लोगों के बच्चों को एक समान शिक्षा मिल सके, ये हम लोगों का उद्देश्य है। अगर बात करें आपकी पार्टी की, आम आदमी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में अभी कमजोर है, तो आपने आप आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किया, दूसरी पार्टी में जाते तो अच्छे से आपका वो होता है, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए जो पार्टी होती है वो लोगों के आधार पर बनती है, जितना लोग उससे जुड़ते जाएंगे पार्टी उतनी बड़ी होती जाएगी। आज हमारी संख्या भले ही कम है, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मुद्दे हैं वो लोगों की जरूरत के हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि लोग हमसे जुड़ेंगे।
अगर आपके व्यवसाय की बात करें तो आपके मुख्य व्यवसाय क्या हैं और लोगों को व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास कर भी रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप बिल्कुल लोगों को व्यवसायी जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, यहाँ का जो एरिया है कोराव का, कोराव का आसपास का जो एरिया है कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान होने के साथ साथ नगर पंचायत के अंतर्गत जो भी लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है वो कोई ना कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर लेते हैं। हम लोगों ने नगर पंचायत कोराव के अंदर व्यापार में व्यवसाय में व्यवसायियों की जो समस्याएं आती हैं, जो व्यवसायियों की समस्याएं होती हैं, मेनली हम उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर पंचायत कोराव में देखा जाए कि व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। अच्छा, हम लोग इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, अगर इससे पहले के चेयरमैनों की बात की जाए तो ज्यादातर व्यवसायी ही चेयरमैन जी जी रहे हैं, तो भी व्यवसायियों के संरक्षण की बात नहीं की गई जी, क्योंकि अभी तक जो लोग रहे हैं वो धन बल के नाम पर, बाहुबल के नाम पर लोगों को तमाम तरह के प्रलोभन देकर अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। नगर पंचायत कोराव की जो गद्दी है चेयरमैन की उसको हथियाते रहे हैं, लेकिन हम लोग व्यवसायियों की जरूरत के हिसाब से हर चौराहे और तिराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की है कि अगर नगर पंचायत कोराव में लोग हमारा समर्थन करते हैं, हमको चुनकर नगर पंचायत के अंदर भेजते हैं, तो हम लोग हर तिराहे और चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात करते हैं। नगर पंचायत को लेकर आपके पर्सनल मुख्य चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं? हमारा तो स्कूल का मुद्दा है, सीसीटीवी कैमरों का मुद्दा है, बस अड्डे के पास जो जमीन है, स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, उस पर हम लोग महिला एवं बाल चिकित्सालय की स्थापना करने की बात करते हैं, जिससे नगर पंचायत के अंदर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका समुचित इलाज हो सके। जो तालाब है नगर पंचायत के अंतर्गत, उनको खुदाई करके उनका सुंदरीकरण करके उन पर लोगों को टहलने के लिए व्यवस्था करके हम लोग उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। अगर आपकी कोराव नगर पंचायत की बात की जाए तो ऐसी कौन सी समस्याएं आपको दिखती हैं जो कि इससे पहले जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे उनकी तो देश और प्रदेश दोनों में सरकार थी, तो उनकी पार्टी ने या उन्होंने उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और आज उसे लोग खासे परेशान है, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पर? क्योंकि अभी तक जो लोग नगर पंचायत के अंतर्गत रहे हैं, जिनकी सरकारें रही हैं, उन लोगों ने नगर पंचायत की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे नगर पंचायत कोराव के अंतर्गत कोई भी खेल का मैदान नहीं है जहां की नगर के बच्चे खेल सके। बच्चे या तो कमरे में बैठकर टीवी देख रहे हैं या तो मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन खेलने की व्यवस्था ना होने की वजह से सारे बच्चे कहीं सड़क पर इधर तो कहीं सड़क पर खेलने जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं टहलने के लिए सड़क पर जाते हैं, सामने से गाड़ी आती है, पीछे से गाड़ी आती है, उनको सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी खेल के मैदान पर कोई भी कभी भी किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, हमारा ये कहना है अगर कोराव की बात की जाए तो लोगों का मत व्यवहार किस आधार पर बदलता है? जाति मुद्दा है, धर्म मुद्दा है, या फिर विकास के मुद्दे पर लोग वोट देने वाले हैं? किस तरीके से लोग हैं कोराव में? जाति मुद्दा और धर्म का मुद्दा अभी तक तमाम सारी पार्टियां प्रयोग करती रही हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न तो किसी जात के आधार पर, न तो किसी धर्म के आधार पर, न ही किसी वर्ग के आधार पर राजनीति करती है। हम लोग साफ सुथरी और आम आदमी की राजनीति करते हैं, आम लोगों की जरूरत से जुड़े हुए मुद्दे पर राजनीति करते हैं। अगर आपके बेस वोट की बात की जाए तो आपकी बेस वोट क्या है? इस हमारे आप चुनाव लड़े हैं, हमारे लिए सभी लोग बेस वोट हैं। और हम लोग जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सीसीटीवी कैमरे, हम लोग हमारे यही मुद्दे हैं। जिन लोगों को जरूरत होगी इन चीजों को, वही हमारा बेस वोट है। अच्छा, अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी देखी गई हैं कि जो छोटे उद्यमी हैं वो परेशान हैं जी, मतलब स्टार्टर को लेकर ऐसी कुछ समस्याएं, तो भले ही उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहुत खासे प्रयास किए हों लेकिन कोराव में लोग नाराज दिखे हैं इस बात को लेकर, बेरोजगार को लेकर। तो आप रोजगार को कैसे देख रहे हैं, मतलब बेरोजगारी की समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल, छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे नगर पंचायत के माध्यम से
जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेला लगाते हैं, नगर पंचायत का टैक्स अलग से लिया जाता है उनसे, और जिनके मकान के सामने वो ठेला लगाते हैं वो अपना अलग से लेते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी पर व्यापार करने वाले जी, रेहड़ी पटरी पर जो व्यापार करते हैं, ठेला लगाते हैं, तो उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। नगर पंचायत में उनके लिए जो है विशेष व्यवस्था की जाएगी, उनसे टैक्स कोई नहीं लिया जाएगा नगर पंचायत के माध्यम से, और हम लोग उनके सपोर्ट में रहेंगे। अगर आपके पार्टी के सिंबल को देखें तो झाड़ू है जी, तो स्वच्छता तो आपका बहुत बड़ा विषय होना चाहिए। तो कूड़ाओं की स्वच्छता की वर्तमान स्थिति क्या है, आप इसमें सुधार चाहते हैं? हर जगह तो कूड़ा है, कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं ले जाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं। तराव गांव के पास आए है, थोड़ा सा बाजार से दूर है 2-3 किलोमीटर, वहां ये लोग लेके जाकर ट्राली से कचरा फेंक देते हैं वहाँ। कचरा डंप करने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं, कचरा निस्तारण करने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग इसकी भी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, अगर आप बातों को कंक्लूजन की ओर, निष्कर्ष की ओर ले जाएं, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और आप अपनी पार्टी को किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हम लोगों से जो हमारी अपील है, यही कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, हम लोगों की जरूरत के हिसाब से राजनीति करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मुद्दों को पढ़कर या हमारे मुद्दों को सुनकर हमसे जुड़े और अपने बच्चों को अच्छे भविष्य की ओर ले जाएं, अपने माताओं एवं बुजुर्गों के अच्छे इलाज का मुफ्त इलाज करा सके। हमारे मुख्य यही मुद्दे हैं। पशुओं की जो समस्या है कोराव नगर पंचायत कोराव के अंदर, पशुओं की समस्या, हमारा पशु सड़क पर घूमते रहते हैं, बड़े बड़े सांड कभी लड़ाई कर लेते हैं आपस में, मोटरसाइकिल वाला आ रहा है उसको कहीं धक्का मार के गिरा देते हैं, कहीं चोटिल कर लेते हैं, एक दो लोगों की जान भी इसी चक्कर में जा चुकी है। तो हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी मुद्दे हमारे हैं, हम उनको अगर आप हमको चुनकर भेजते हैं नगर पंचायत के अंतर्गत, तो हम लोग जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनको हम पूरा करेंगे, नगर पंचायत को स्वच्छता की ओर ले जाएंगे, नगर पंचायत को पशुओं से मुक्त कराएंगे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे, इलाज की अच्छी व्यवस्था करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, तालाबों का सुंदरीकरण करेंगे, खेल का मैदान की व्यवस्था करेंगे, यही हमारी व्यवस्था है। ये थे हमारे साथ पुष्पराज सिंह पटेल, आम आदमी पार्टी के नगर पंचायत कोराव से प्रत्याशी। हमारे साथ देखते रहिए उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की विभिन्न अपडेट्स लोक टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।